गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू नोट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस. ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक, सो इसमें क्या होता है ना, अगर ये पॉजिटिव है या फिर लेस नेगेटिव है. ठीक है, ये पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये ईजिली क्या हो जाएगा, अपने सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. तो लिख लो इसी चीज़ को, इफ़ ई ज़ीरो वैल्यू इज़ हाई, ई ज़ीरो क्योंकि ये स्टैंडर्ड है इसलिए क्या लिखेंगे हम, ई नॉट इफ ई नॉट वैल्यू इज़ हाई, इट मीन्स एम टू प्लस आयन कैन बी रेडियली रिड्यूस टू मेटल. एम टू प्लस आयन कैन बी रेडियली रिड्यूस टू मेटल्स, या फिर उसको और बोल सकते हैं कि एम टू प्लस आयन इज लेस स्टेबल देन एम एस. सेकेंड पॉइंट में लिखना इसमें, एम टू प्लस आयन्स आर लेस स्टेबल देन मेटल एम एस. एम टू प्लस इज लेस स्टेबल देन इसका और क्या मतलब हो सकता है कि मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली. ठीक है, तो इसको लिखो, मेटल कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली टू फॉर्म एम टू प्लस आयन. मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली टू फॉर्म एम टू प्लस आयन्स. नेक्स्ट, इफ ई नॉट वैल्यू इज स्मॉल, इफ ई नॉट वैल्यू इज स्मॉल, अब स्मॉल से क्या मतलब है, लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव. ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो, लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव. जो ई नॉट है इट इज लेस पॉजिटिव और इसको क्या बोल सकते हैं हम, मोर नेगेटिव है. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो इजिली आयन बना सकता है और उसका एम टू प्लस आयन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू वो मेटल. ठीक, सो एम टू प्लस आयन्स आर मोर स्टेबल देन एम एस. वहाँ लेस स्टेबल था, वहाँ क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा इस केस में. सो एम टू प्लस आयन इज मोर स्टेबल और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, मेटल कैन रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम टू प्लस आयन. उसमें कैन नॉट लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे, कैन. मेटल कैन रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम टू प्लस आयन. ठीक है, तो अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर लेस नेगेटिव है तो वो जो आयन है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है, और अगर 2 प्लस आयन की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है या फिर लेस नेगेटिव है, ठीक, तो किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो अगर ना हम इसका ट्रेंड देखें, है ना, एम टू प्लस एम का जो ट्रेंड देखें हम लोग फर्स्ट जो हमारी सीरीज़ है ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड है. ठीक है, जैसे आपकी बुक में ये जो डायग्राम बना है इसको ट्रेंड वाला, उसको देखते हैं हम लोग. ठीक है, सो यहाँ पर मेटल्स हैं जैसे टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक.
ठीक, और यहाँ पर उनकी वैल्यूज दी हुई है कि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। सो आप देखोगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, टाइटेनियम की है कि नहीं, दिख रहा है उसकी 1.5 से भी नीचे है, ये -1.5 है और उससे भी नीचे आपका क्या है, टाइटेनियम का है यहाँ पर कहीं पर, है ना। क्रोमियम का फिर ये -1 के बीच में कहीं पर है, वैनेडियम और क्रोमियम का। फिर मैंगनीज का फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव। उसके बाद Fe का फिर हायर हो जाता है, ठीक है। कोबाल्ट है, निकल है। उसके बाद आप कॉपर का देखोगे तो कॉपर का जो है वो जीरो से क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। और फिर जो जिंक का है इट बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरीके का एक ट्रेंड है, कुछ भी रेगुलैरिटी नहीं है। आप देखोगे इस ट्रेंड में कुछ रेगुलैरिटी है क्या, टाइटेनियम वैनेडियम प्रॉपर में तो फिर भी, क्रोमियम में तो फिर भी से एक थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसमें, ठीक है। बट इससे हमको ये पता चल सकता है कि जो टाइटेनियम है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, क्योंकि इसका जो ये Em2+ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो काफ़ी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक। अब ट्रेंड इन Em3+ और Em2+ में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और आंसर लिख लो, कॉपर का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8.4 है ना, इसका आंसर लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर ही करते जाएंगे ना तो बेटर रहेगा। लिखिए, द ई नॉट Em2+ बाई एम वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव एंड दिस शो दैट इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज कॉपर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। फुल स्टॉप। Therefore, the high energy required to convert Cu to Cu2+ is not balanced by its hydration enthalpy. क्या मतलब हुआ, समझ में आया ना, कि जब हम कॉपर को कॉपर 2+ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब इसको एटम में बदलना पड़ेगा। फिर आप एटम से क्या निकलोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहले क्या होगा, इसको एटम में हम बदलेंगे, गैशियस एटम में, ठीक। तो हमको क्या लगेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या जिसको हमने सब्लिमेशन कल पढ़ा था। उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो IE1 लगेगा, del IH1, ठीक है। तो ये क्या बना, Cu+ बना। उसके बाद फिर से आप इसको एनर्जी दोगे del IH2, तो क्या बनेगा, Cu2+।
अब ये इसको एक्वस सॉल्यूशन में बनाने के लिए हमको क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बट ये सब उनको क्या करना पड़ रहा है, हमको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना हाइड्रेशन में एनर्जी निकलती है ना, वो कम एनर्जी निकलती है, जबकि देना हमको ज़्यादा पड़ता है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाता हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी लग रही है उसको। इसी वजह से इसका क्या हो जाता है, हमको पॉजिटिव जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है। समझ में आया? तो जो मैंने बोला अभी वही उस आपने आंसर में लिखा है, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप समझने के लिए बता सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें आप बताइए क्या कि किसका यूज़ हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, ठीक है। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इसमें दोनों में ही आपको दी गई है, ठीक है। जब Ti4+ Ti3 में बदलता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.01, और ये पॉजिटिव है, और इस केस में 0.7177 होती है। तो विच वन विल यूज़ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा? हाँ, क्योंकि इसका लेस पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ज़्यादा पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा, ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, क्योंकि Fe3+ और टू, ये जो है Fe3+ से जो 2+ बन रहा है, अच्छा ये अभी पढ़ाए भी नहीं आपको, फिर भी से ये वाला जो है इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऊपर वाला कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+, क्यों ऐसा, इसका रीजन बता सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है आंसर इसका, ठीक है ना। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Fe3+ का, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो Fe3+ का जो है D5 वाला स्ट्रक्चर होता है, विच हाँ, और इसमें D6 होता है, तो ये क्या होता है, इट इज़ मोर स्टेबल, है ना, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, हाँ हाफ फील्ड होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ हैव हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल देन दी Fe2+, है ना। आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और बता दो कि इसके हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अब 3+ वाला एक ट्रेंड पढ़ लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। लिख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी ऑफ M3+ एंड M2+ आयन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी ऑफ M3+ एंड M2+ आयन। इन एक्वस सॉल्यूशन तो इसको भी हम SEP से जान सकते हैं कैसे। अगर SEP जो है मोर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो लेस स्टेबल है, और अगर हमारा SEP जो है वो नेगेटिव है या लेस पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। अब इसका मतलब ये इस तरीके से जान लो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, Em3+ से क्या बन रहा है, Em2+, ठीक है। तो अगर Em3+ डिवाइड, ये जो स्लैश M2+ है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब M3+ क्या है, इट इज़ लेस स्टेबल, ठीक है। लेस स्टेबल है मतलब क्या होगा, M3+ क्या बनने की कोशिश करेगा, हमेशा M2+ बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। M3+ क्या बनने की कोशिश करेगा, M2+, ठीक है। और अगर M3+ और M2+ इस तरीके से हो रहा है, और ये मोर नेगेटिव है, मतलब जो हमारा M3+ है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सो लिख लो, इसमें पॉइंट लिख लो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M3+
स्लैश एम टू प्लस इज मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसके चार तीन मतलब हो सकते हैं, ठीक है। पहला है इट मीन्स एम थ्री प्लस आयन्स कैन बी रेडियली रिड्यूस टू एम टू प्लस आयन। इट मीन्स एम थ्री प्लस आयन कैन बी रेडियली रिड्यूस्ड टू एम टू प्लस आयन। थर्ड सेकेंड पॉइंट इसमें एम टू प्लस आयन आर लेस स्टेबल देन एम टू प्लस आयन। एम थ्री प्लस आयन आर लेस स्टेबल देन एम टू प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एम टू प्लस आयन कैन नॉट रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट लिखना एम टू प्लस आयन कैन नॉट रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम थ्री प्लस आयन। ठीक है, ये तो हो गया जब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और लेस नेगेटिव है। ठीक है, पर अगर ई नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, सो लिख लो इफ ई नॉट वैल्यू इज लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। इफ ई नॉट वैल्यू इज मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, ई नॉट वैल्यू इज लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, दैट मीन्स इसके भी वही तीन पॉइंट होंगे, जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्या होगा, इट मीन्स एम थ्री प्लस आयन कैन नॉट बी रेडियली रिड्यूस टू एम टू प्लस आयन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एम थ्री प्लस आयन आर मोर स्टेबल देन एम टू प्लस आयन्स। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, एम टू प्लस आयन रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम थ्री प्लस आयन। ठीक है, तो इसी से, इस डेटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि Mn3+ जो है इट एक्ट एज एन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों। ठीक है, जबकि Cr3+ जो है इट डज नॉट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें तो नहीं दिया है वो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या Mn3+ आयन इट एक्ट एज एन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने देखा है ना Mn वाला जो होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे KMnO4। तो मैंगनीज में ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहले आप अपनी बुक में पीछे जाके देखो मैंगनीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा हुआ है, एक प्लस टू और +7। तो +2 जो है इट इज़ स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग कॉन्फिग्रेशन, है ना। तो वो हमेशा क्या करता है, +2 में आने की कोशिश करता है। सो जो Mn3+ है इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Mn3+ इज नॉट ए स्टेबल वन। ये स्टेबल नहीं है, मतलब क्या करना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ करना चाहता है। मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। इसी वजह से Mn3+ जो है वो क्या है, इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज लिख लो सिंस Mn3+ इज लेस स्टेबल, बिकॉज Mn3+ इज लेस स्टेबल एंड गेट रिड्यूस्ड इनटू Mn2+ आयन रेडियली। ठीक, तो इसका इस टाइप का आंसर लिख लेंगे ना। और जैसे कि क्रोमियम का आता है कि क्रोमियम एक्ट नहीं करता रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि Cr3+ जो होता है वो बहुत क्या होता है, स्टेबल होता है, इजीली Mn2+ आयन में कन्वर्ट नहीं होता। तो कुछ भी आए, अगर आप कोई पूछता है कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है, तो ये जो हम मैंने पॉइंट लिखा है ना उसी को ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है उस आंसर में, है ना।
तो इसमें हम समझ रहे हैं कि अगर इस टाइप का है ये m3 प्लस से m2 प्लस, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है, तो वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और ये हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये चीज़, तो वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये लेस स्टेबल है, और अगर ये नेगेटिव है मतलब ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे एक क्वेश्चन है बुक का, उसको मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, आपको अगर बताना है, ठीक है। तो एक डेटा गिवन है आपको, सपोज़ अब आपको बोलता है कि इसमें कौन सा स्टेबल है, किस कौन से आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, तो आपको क्या लगता है कि सीआर थ्री प्लस आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और सबसे ज़्यादा किसकी कम होगी, एमएन की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो स्टेबिलिटी अगर ऐसा फाइंड करना है तो आप लोग कर लेंगे। सो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, हम कौन सा आयन की होगी, थ्री प्लस और ये वाले की, है ना, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, और उसके सबसे कम किसकी होगी, मैंगनीज की। तो इस डेटा बेस क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना। एक मार्क्स का आएगा ये, दो मार्क्स का आएगा, हाँ रीज़न पूछ देंगे। तो रीज़न क्या है, जितना रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा लेस नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो रीज़न है। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ही है। अब इसमें ना आपकी बुक में T2G लेवल करके भी कुछ कुछ दिया है आंसर, तो ये 9th चैप्टर का पार्ट है जिसको हम अगले क्लास में करेंगे, तो वो वाला जो पोर्शन है उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है वैसे ये वाला, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं, जब वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बाकी अगर और किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। पर सिर्फ हैलोजन और ऑक्सीजन के साथ ही ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होते हैं इसी वजह से, ठीक है। सो जो मेटल हैलाइड्स ये फॉर्म करते हैं, तो आप देखोगे इसमें, इसका जो टेबल है उसमें देखोगे, जो क्रोमियम है ना, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होता है, और वो पूरा प्लस सिक्स फ्लोरिन के साथ शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट CrF6 में, है ना। क्रोमियम तो अपना पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ठीक है। मैग्नीज सिर्फ अपने फोर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही शो करता है फ्लोरिन के साथ, है ना। यहाँ पर उसका कितना है, फोर, और इसका तो प्लस माइनस वन होगा, ठीक है। सो मैंगनीज फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो जो हैलोजन्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसको आप खुद से पढ़ लेना, ठीक। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि जो कॉपर है, Cu प्लस आयन इज मोर लेस स्टेबल देन Cu2 प्लस आयन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि Cu प्लस इज मोर लेस स्टेबल देन Cu2 प्लस, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन लिख लो, व्हाई Cu2 प्लस आयन इज लेस स्टेबल देन Cu2 प्लस आयन। प्लस आयन इज लेस स्टेबल देन Cu2 प्लस आयन, या फिर ये भी आता है कि व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो Cu2 प्लस आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। मतलब Cu2 प्लस आयन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब वो किसके साथ मिक्स होता है, पानी के साथ, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें Cu2 प्लस आयन होता है, तो जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उस आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो Cu2 प्लस आयन जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Cu प्लस आयन, इसी वजह से Cu2 प्लस आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू Cu प्लस आयन। सो हाइड्रेशन एनर्जी भी आयन की स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। सो इसका आंसर लिख लो,
Cu plus is not stable in aqueous solution because of its less negative enthalpy of hydration than Cu2 plus. ठीक है, आपका आंसर यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है ना कहीं जा. द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस आयन रादर देन Cu प्लस आयन इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 प्लस देन Cu प्लस, है ना. क्या लिखें आंसर बता दो. देन Cu2 प्लस लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक होना चाहिए. ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होता है तो एंथैल्पी नेगेटिव लिखते हैं और एंडोथर्मिक होता है तो पॉजिटिव, है ना, ये पता है ना सबको. सो इसकी जो है हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इसकी लेस नेगेटिव है. ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है. तो ये इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ जब ये कैसे रिएक्ट करता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी जब रिएक्ट करता है ना तो भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें आपको देखोगे कि मैंगनीज तक जो है ना, मैंगनीज तक देखोगे कि वो सारे के सारे अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. मैंगनीज तो प्लस 7 में है Mn2O7 के साथ, है ना. तो Mn2O7 के साथ वो अपने मैक्सिमम शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ फ्लोरीन जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बाद भी ये क्या करता है यहाँ पर +4. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म द डबल बॉन्ड. इसी वजह से ये क्या कर सकता है यहाँ पर मैग्नीज के जो है वो अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करता है. क्यों, देखो यहाँ पर एक मैग्नीज है, उसको चार चार फ्लोरीन को होल्ड करके रखना है. ठीक, अगर वो MnF7 बनाता है तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 होगा. होगा कि नहीं, इतना समझ में आता है ना सबको. तो एक Mn चार चार फ्लोरीन को क्या कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता. इस वजह से MnF7 नहीं बनेगा. पर यहाँ पर क्या है, दो मैंगनीज हैं तो वो सात ऑक्सीजन को क्या करेगा, हैंडल कर लेता है. कैसे बनता है इसको अगर आप बना के देखोगे, सो इस तरीके से ये बनता है. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी. ठीक है, सो देखो एक मैग्नीज को तीन तीन करना है और इसको तो दोनों ही हैंडल कर रहे हैं, तो ये हैंडल हो जाएगा. इस वजह से जो है Mn जो है ऑक्सीजन के साथ अपना मैक्सिमम क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट फ्लोरीन या हेलोजन के साथ नहीं शो करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाने की उसकी कैपेबिलिटी है, इसी वजह से ऐसा होता है. ठीक, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट मुझे लगा बताने के लिए. अच्छा, इसमें और अगर आप इस ट्रांजिशन एलिमेंट को देखोगे ना, तो कहीं कहीं पर तो वो मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं. अब मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं देखो, इसको भी बता देते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सबको आता है ना. MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn का +2. ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा ना, +4 होगा ना, +4 होगा. ठीक, अब इसमें निकाल के दिखाइए. बताइए फिर, +4 होगा. Mn का x है सपोज, तो x इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, है ना. ऑक्सीजन का -2 रहता है तो कितना हो गया, ये इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3, फ्रैक्शन में आ गया. तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड. इसमें क्या हो जाए, जो मैग्नीज होता है ना, कुछ कुछ जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं. क्योंकि मैग्नीज इसमें कुछ कुछ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ मैग्नीज +3 में है, कि तीन मैग्नीज है ना, इसी वजह से इसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं. वैसे ही एक मिक्स्ड ऑक्साइड आयरन भी बनाता है Fe3O4, इसका भी निकाल के देख लो. ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का आपका फ्रैक्शन में आएगा, वही आ रहा है. वैसे CO3O4 का भी वही हाल होता है ना, इसका भी वही हाल होगा.
तो ये सब मिक्सड ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इतना समझ में आ गया ना इस सबसे, फाइनल एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग वो कर लेते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस सीरीज? आपको ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका रीजन क्या है। ऐसा क्यों है, इनका रीजन ऐसा, मतलब ये जो पावर है MnO4 की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है और VO2+ की सबसे कम है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही छुपा है। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। वैनेडियम का यहाँ क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? ये भी है ना, +3। क्रोमियम का +3 नहीं है भाई, इसका +5 है। इसका निकाली हूँ, नहीं निकालो निकालो, +6 होगा। और इसका क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये हाईएस्ट है। अब इसके अलावा ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो क्या? नहीं। अब ये सीधा रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर कहाँ पहुँचेगा? अपने अगले ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल। इसका अगला स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 2+। मतलब इसका क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। मतलब ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे को चाहिए तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझते हैं ना ऑक्सीडेशन। जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, क्रोमियम का नेक्स्ट जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, देखो, ठीक है। और वैनेडियम का क्या होता है, ये इसका +5 ही सबसे ज़्यादा उसका, ये अपने स्टेबल वाले में ही है, इससे ज़्यादा और कोई स्टेबल है ही नहीं। तो अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इनका जो लोअर जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये रिड्यूस होना चाहते हैं अपने लोअर वाले स्पीशीज़ में, इसी वजह से दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये रीज़न? तो यही आंसर लिखा है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज, है ना। इनके जो लोअर स्पीशीज हैं उनकी स्टेबिलिटी की वजह से दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वन उसके बाद और फिर ये उसके बाद, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि +7 से कहाँ पहुँच रहा है, ये +2। तो वही आंसर लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस। तो ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे अपने लोअर स्पीशीज में और सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। सो आंसर यहाँ से लिख लेंगे ना अपनी बुक से। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है तो आप कैसे किसी की रिएक्टिविटी डिसाइड करोगे मेटल्स की, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना बताया ना इसमें वही चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो, कि अगर ई नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है ना आप लोगों की, कौन सा आप ई नॉट की वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ई नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सो वही सब यहाँ पर वही कहानी लिखी हुई है फिर से। तो एग्जांपल 8.6 देख लेते हैं हम लोग। फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द ई नॉट वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज इन द अबव वैल्यूज।
कुछ इरेगुलरिटी है ना, कुछ भी पैटर्न नहीं है। क्रोमियम का बहुत नेगेटिव है, वैनेडियम का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो क्रोमियम का उससे कम है, फिर मैंगनीज का और बढ़ जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, इस इरेगुलरिटी का रीज़न क्या है? तो इस इरेगुलरिटी का रीज़न उसके कहाँ पर छुपा हुआ है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना। मैकेजन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो अगर वो आयंस बना रहा है तो आयंस बनाना उस किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। होता है कि नहीं कि भाई अगर Mn2+ बनाना ईजी है तो क्यों ईजी है? आप देख रहे हो Mn2+ बनाने में ईजी होता है, तभी तो -1.18 है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, मतलब वो इजीली बन जाता है Mn2+। अगर वैल्यू नेगेटिव है मतलब क्या होता है, वो इजीली Mn2+ बना लेगा, अगर पॉजिटिव है मतलब वो इजीली 2+ आयन नहीं बनाएगा। तो Cu जो है इजीली 2+ आयन क्यों नहीं बनाता, उसका रीज़न मैंने बताया था कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही सब रीज़न की वजह से यहाँ पर इरेगुलरिटी दिखती है। तो देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट रेगुलर विच कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑल्सो द सब्लिमेशन एंथैल्पी, जिसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी को आप क्या बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विच आर रिलेटिवली मच लेस फॉर मैगनीज एंड वेनेडियम। सो मैगनीज और वेनेडियम के लिए जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो भी कम है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो इरेगुलरिटी जो है हमारी, उसका रीजन समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट है, व्हाई इज द ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ Mn2+ कपल मच मोर पॉजिटिव देन द Cr3+ Cr2+ और Fe3+ Fe2+। ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉजिटिव क्यों है, है ना, Mn3+ जो है वो लेस स्टेबल क्यों है Mn2+ से, है ना, क्योंकि जो Mn2+ होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, वो D5 है, है ना, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर से Mn3+ बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जबकि क्रोमियम और Fe में ऐसा नहीं होता, क्रोमियम में Fe2+ आयन का अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या होता है, D6 होता है, है ना, D6 है तो इजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe3+ बना लेगा, वैसे क्रोमियम में भी होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो Mn3+ आयन है बनाना मुश्किल है, तो वही रीज़न लिखा होगा। देखो मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई दी +3 स्टेट ऑफ Mn इज लिटिल इम्पॉर्टेंस। तो वहाँ पर लिखा भी है कि D5 से D4 करना क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको। तो अगर आपको आता है ना आंसर, तो आप इस तरीके से ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख के भी बता सकते हो कि भाई Mn2+ का ये है, Mn3+ का ये है, ठीक है ना, तो बन जाएगा ये स्टेप का क्वेश्चन। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe3+, सॉरी Cr2+ और Fe2+ एंड वाई, Cr2+ और Fe2+ में कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैसे करेगा, वो कैसे पता चलेगा हमको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? तो Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा, और Fe का क्या हो जाएगा? पक्का Cr2+ कैसे होता है? हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, Cr2+ का पूछ रही हूँ मैं। और इसमें और ये तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2+ और हाँ Fe2+, है ना, क्योंकि Fe2+ रेडियली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और उसका क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। सो इट विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन दी Cr2+। वैसे
इसका आंसर एक और तरीके से दे सकते हैं जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, T2G लेवल। पढ़ लिए क्या T2G लेवल? ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ईजी है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं हुआ ये तो दो लाइन का है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब हम क्या बोल रहे हैं, या तो डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। अब कैसे पता चलेगा भाई कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? हाँ वही है, वही है। डायमैग्नेटिक मीन्स इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत जल्दी क्या चला जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ, जैसे कि निकल वगैरह हैं, आयरन जो है, दे आर फेरोमैग्नेटिक। वो सब क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, मतलब बहुत स्ट्रांगली वो लोग मैग्नेटिक हैं। ठीक, सो कैसे पता चलेगा कि भाई कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर हमारे पास पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं। अगर इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और देखना है हो जाएगा कि नहीं, आप उससे पता चल सकता है कि कौन सा भाई डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो अब हमको अगर एक म्यू करके एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट है ये, हाँ। अब यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है bm, bm मतलब होती है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? bm। तो जो आखिरी में आंसर आएगा उसमें हमको बोर मैग्नेट्रॉन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, एग्जाम्पल 8.8, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन इफ़ इट्स एटोमिक नंबर इज 25। एटॉमिक नंबर 25 है, उसका डाइवेलेंट आयन है, उसका हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 है, उसमें दो डाइवेलेंट है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, उसका हमको मैग्नेटिक, सो जो भी है एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब वो डायवेलेंट बना रहा है, मतलब M2+ टाइप का बना रहा है, तो 4s0 और 3d5, तो 3d5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? 5। तो म्यू में रख दो 5 की वैल्यू, n इज इक्वल टू 5.6। तो ये हो जाता है 5.92 bm आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इससे बन जाएगा ना, आएगा तो आ सकता है, क्या पता। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, आप देखेंगे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके आयंस की कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज के भी होते हैं, आयरन के, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना उनके आयंस के कोई ना कोई कलर्स होते हैं। C2+ आयन का अलग कलर, Fe2+ आयन का अलग कलर होता है, Fe3+ आयन का अलग कलर होता है। ठीक है, और उन्हीं आयन्स के कलर होंगे जिनमें डी ऑर्बिटल में जगह होगी ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि जब भी क्या होता है ना, जैसे सपोज ये डी ऑर्बिटल्स के हैं तो ये क्या करते हैं, ये जंप करके हायर ऑर्बिटल्स में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, ये जंप करके कहाँ चले जाते हैं? हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो जब हायर ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये कुछ फोटॉन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अब यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं? 1 2 3
पाँच छः सात रिव्यू, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को क्या करेगा, पास कर देगा। तो उसने ये दो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सबको पास कर दिया, तो इसका कलर क्या दिखेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। ऑरेंज और रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ब्लू होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। ये इनमें से क्या, इन सब मिलके क्या करेंगे, एक रंग बनाएंगे, है ना। ऑरेंज और रेड तो चला गया, अब ये सब मिलके एक रंग बनाएंगे इन सब वेवलेंथ के लोग, तो वो कुछ ब्लूइश कलर का दिखेगा आपको, ग्रीन ब्लू टाइप का। तो इस तरीके से जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको क्या करता है, वो आयन दिखने लगता है, ठीक है। और हमेशा कलर उसी में ही दिखेगा जिनमें डी ऑर्बिटल आपको खाली दिखते हैं। अगर 3D10 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसे जिंक हो गया, तो जिंक आप देखो, जिंक आयन कलरलेस होता है, देख लो आपको टेबल पे बना ना, टेबल 8.8 Zn2+ आयन कलरलेस, क्यों, क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल्स वहाँ पर है नहीं, एम्प्टी नहीं है। तो जहाँ भी अगर डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है या फिर 3D0 टाइप का स्ट्रक्चर है तो भी उसमें कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो आप देखो स्कैंडियम 3+ जो है उसमें 3D0 है तो भी कलरलेस है, टाइटेनियम 4+ है उसमें भी 3D0 है तो कलरलेस है, पर जैसे जैसे उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं अलग अलग कलर वो शो करते हैं, है ना। जैसे Fe3+ जो है इट शोज़ येलो कलर, Fe2+ शोज़ ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है शो करते हैं, क्योंकि वाइट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक। तो जो एब्जॉर्ब किए हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, जनरली आप देखो हम इसका कैटलिस्ट की ज़रा यूज़ करते हैं, जैसे ना Fe और मॉलिब्डेनम का भी यूज़ आप पढ़े हो गया है ना, Fe और मॉलिब्डेनम का यूज़ करते हैं हम एज अ कैटलिस्ट, निकल का, प्लेटिनम का, पैलेडियम का, इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज अ कैटलिस्ट करते हैं। तो क्या रीज़न है भाई कि इनका यूज़ हम एज अ कैटलिस्ट करते हैं, सो लिख लीजिए, रीज़न ऑफ कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, रीज़न ऑफ कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सो पहला रीज़न है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, या फिर कुछ डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहते हैं ना इसी वजह से, तो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दूसरा है टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट विथ सुटेबल रिएक्टेंट, टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट विथ सुटेबल रिएक्टेंट। They provide a suitable large surface area. Next है tendency to form variable oxidation states. Last है ability to form complex. ठीक है, तो ये इन सब reason की वजह से ही ये कैसे use होते हैं, as a catalyst use होते हैं ना। तो इनके बहुत सारे आपको examples भी दिए, जैसे iron और molybdenum, ठीक है। एक कैटलिस्ट है जिसका यूज़ हम हेबर्स प्रोसेस में करते हैं, जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़े थे ना, हेबर प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, वहाँ पर आप Fe और मॉलिब्डेनम का यूज़ करते थे, याद है, अमोनिया का फॉर्मेशन में, है ना। निकल का यूज़ क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में होता है। फिर वैनेडियम पेंटाक्साइड P2O5, उसका यूज़ हम क्या करते हैं, H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग के समय यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, V2O5, याद है, पी ब्लॉक एलिमेंट V2O5 का यूज़ किए थे हम लोग। उसके बाद कोबाल्ट का यूज़ भी हम ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। प्लैटिनम का भी यूज़ क्या होता है, H2SO4 में भी होता है, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है ना जो H2SO4 वाला, उसमें भी होगा, या फिर उसका हाइड्रोजनेशन भी करते हैं हम लोग, है ना। प्लैटिनम का भी यूज़ करते हैं हम लोग, ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़े थे हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, उसमें किए थे। पैलेडियम का यूज़ भी क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ सब उनका यूज़ होता है, अलग अलग जो है कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो Fe, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, प्लेटिनम, ये सब क्या हैं, कॉमन कैटलिस्ट हैं, ओके। नेक्स्ट है फॉर एलॉय फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड्स।
इंटरस्टियल कंपाउंड मतलब इंटरस्टियल स्पेस जानते हैं ना, जब मेटल्स का आपको पता होगा BCC या FCC उसका अरेंजमेंट होता है ना, तो उस अरेंजमेंट में कहीं कहीं पर जो खाली जगहें होती हैं है ना स्ट्रक्चर में, वहाँ पर क्या होता है ना कभी कभी, क्योंकि स्पेस होता है तो वहाँ कभी कभी ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाता है, लाइक कार्बन वगैरह जो नॉन मेटल्स है ना वो उस जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल की साइज़ छोटी होती है तो वो उस जगह को इंडस्ट्रियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कि इस तरीके से इसका FCC स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो स्पेस है उस स्पेस में कभी कभी जो नॉन मेटलिक कंपाउंड है वो वहाँ पर जाके चले जाते हैं, कुछ रीज़न नेचुरली होता है ये सब, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और बहुत हार्ड होते हैं एंड दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली इनर्ट, तो इस वजह से इनकी बहुत सारी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय तो सबको ही पता होगा कि मेटल्स के साथ मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं ना, सो और एलॉय कैसा होता है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है, तो अलग अलग टाइप के एलॉय बना सकते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन में अगर आप क्रोमियम वैनेडियम टंगस्टन ये सब मिला दें तो आप अलग अलग वैरायटी के स्टील और स्टेनलेस स्टील बना सकते हो, है ना, कुछ स्टील बहुत काफ़ी मजबूत होते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के हम स्टील और स्टेनलेस स्टील हम उसके कॉम्पोजिशन को चेंज कर करके बना सकते हैं एलॉय। ठीक है, ब्रास बनाते हैं जिसमें कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज बनाते हैं जिसमें कॉपर और टिन यूज़ करते हैं, तो ये एलॉय भी फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का भी यूज़ करके एलॉय बनाते हैं ना, क्योंकि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप जो गोल्ड पहनते हैं 23 कैरेट उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वो लोग कॉपर मिलाते हैं ताकि उसको हार्ड कर सकें। ठीक है, सिल्वर भी मिलाते हैं, कॉपर सिल्वर जो भी है, तो इस वजह से उसके जो उनको हार्डनेस मिलती है, तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके का एलॉय बना सकते हैं ये ट्रांजिशन मेटल से। ठीक, सो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हुआ, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड्स। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, थैंक यू।